नमस्कार, हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंग बली जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज के इस अंक में मैं आपको बताऊंगी कि आपकी चाहे कैसी भी इच्छा हो, सांसारिक हो, आध्यात्मिक हो, धार्मिक हो, कोई भी इच्छा हो, आप भगवान से उसे कैसे पूरा करा सकते हैं और उसी रात में करा सकते हैं। जिस तरह मैं आपको बताऊंगी, यदि आपने उस तरीके से इस प्रयोग को किया तो आप निश्चित करके मानिए आपकी इच्छा 101% पूरी होगी। यदि नहीं होती है तो कहीं ना कहीं दोष आप ही का है, क्योंकि आपने पूर्ण विश्वास के साथ उसे दोहराया नहीं है, अपनी इच्छा को भगवान के सामने रखा नहीं है। जरा भी अविश्वास होगा तो आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी, ये भी मैं आपको बता दूँ। तर्क को अलग रख दीजिए, विश्वास को सामने रखिए और फिर जैसे मैं बताऊं वैसे आप करके देखिए। हमारे जो मन है उसकी दो स्थितियां होती हैं, या हमारा मन दो तरीके का होता है, एक चेतन है और एक अवचेतन है। चेतन मन का काम है सांसारिक कार्यों को गतिविधि प्रदान करना और ये जागृत अवस्था में काम करता है। जब हम सो जाते हैं तो अवचेतन मन कार्य करने लगता है, वो सोता ही नहीं है। वो तो दिन में भी काम करता है, रात में भी काम करता है, 24 घंटे काम करता है, वो कभी नहीं सोता। वही तो परमात्मा का रूप है, उसी को तो कहा गया है कि परमात्मा हमारे शरीर के अंदर मौजूद है। उसी को कोई ईश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है, वो हमारे अंदर मौजूद है, वो कभी नहीं सोता। आप विचार करें, जो चेतन मन है वो जागृत अवस्था में काम करता है, लेकिन जब हम सो जाते हैं तब चेतन मन भी सो जाता है, और जब चेतन मन सो जाता है तो शरीर के कुछ ऐसे क्रियाकलाप हैं जो चलते रहते हैं। उन्हें कौन चलाता है? उन्हें हमारा अवचेतन मन चलाता है। अगर हमारे चेतन मन के ऊपर हो तो वो तो सो गया है, तो क्रियाएँ बंद हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं बंद होती है। हमारे बस में हो तो हम भूल जाएं, जैसे सांस लेना, कौन इस सांस को जारी रखता है? मन तो हमारा सो गया है। और ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, ये अनवरत कैसे चल रहा है, कौन चला रहा है? हमारे हार्ट की धड़कन, हमारे दिल की धड़कन लगातार चल रही है, उसे कौन चला रहा है? उसे हमारा अवचेतन मन चला रहा है। तो अवचेतन मन की अपार शक्ति है, इस पर जाने कितनी रिसर्च हुई है और अभी तक इसकी पूर्ण शक्ति का ज्ञान किसी को नहीं हो सका है। तो ये बहुत बड़ी शक्ति है। यदि हमारा चेतन मन हमारी किसी इच्छा को जो हम व्यक्त करते हैं उसके सामने, या जो हम सोचते हैं हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, यदि हमारा चेतन मन अवचेतन मन तक वो बात पहुँचा दे, तो उसी क्षण अवचेतन मन उस इच्छा को पूरा कर देता है। उसे पूरा करने में समय नहीं लगता, क्योंकि वो ब्रह्मांडी मन होता है और उसका सीधा संबंध ब्रह्मांड से होता है, और ब्रह्मांड में अलौकिक शक्तियां हैं परमात्मा की। वो किसी भी कार्य को तक्षण करने में सक्षम है। तो इसलिए आपको क्या करना है, अब मैं आपको बता दूं। अब आपको करना यह है कि जब आप सोने जा रहे हैं, जब आप बेड पर अपने लेट जाएं, तो शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। आपकी जो भी इच्छा हो आप उसे बोलें, मन में यानी मानसिक तौर पर आप बोलें, उसे कम से कम 21 बार बोलें। अधिक बोल सकते हैं तो अधिक बोलें, लेकिन 21 बार से कम तो नहीं बोलना है आपको, ठीक। अब आपको 21 बार जब आपने अपनी इच्छा बोल दिया, बोलने के बाद आप जिस इष्ट की पूजा करते हैं, जिनका नाम जप मंत्र जाप आप करते हो, आप उनका मंत्र जाप करना शुरू कर दें और मानसिक रूप से मंत्र जाप करते हुए, नाम जप करते हुए सो जाइए। तो क्या होगा कि सोते समय तक, जब तक हम नहीं जागते हैं, हमारी वह इच्छा हमारा चेतन मन अवचेतन मन तक पहुंचा देता है और वो बात अवचेतन मन में बैठ जाती है, और जैसे ही अवचेतन मन इसे स्वीकार करता है आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं कि रातों रात में व्यक्तियों की इच्छा पूरी हुई है। अगर किसी की नहीं हुई तो विश्वास की कमी के कारण नहीं हुई। तो आप पूर्ण विश्वास के साथ अपनी इच्छा को परमात्मा के सामने व्यक्त करिए, अपने चेतन मन को बताइए
और वो चेतन मन जब सोएगा तो उससे पहले हमारी इच्छा को अवचेतन मन तक पहुंचा देगा और फिर अवचेतन मन कार्य करना शुरू कर देता है। तो यह अवचेतन मन की शक्ति से चमत्कार होता है। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, परमात्मा हमारे अंदर ही है, जो अवचेतन मन के रूप में हमारे अंदर विराजमान है। तो इस प्रयोग को आप करिए और पूर्ण विश्वास के साथ करिए, तो निश्चित तौर पे उसी रात में आपको संकेत मिलेगा। आपकी इच्छा अगर देर में पूरी होने वाली है तो भी आपको संकेत मिलेगा और आपको सहायता प्राप्त होगी। कोई ना कोई व्यक्ति आपको सुबह तक बताएगा कि आपका यह काम इस तरह से आप कर लो, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। कोई ना कोई माध्यम आपको मिल जाएगा। छोटी इच्छा है तो वो तुरंत ही पूरी हो जाएगी सुबह तक। बस तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आज की ये जानकारी आपके काम आएगी। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले अंक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की। हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण कृष्ण।